बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस के थीटा प्लस आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा, आसान से फार्मूलाज कैसे याद करने का तरीका है। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज़ इक्वल टू वन, बोथ साइड अगर साइंस के ऊपर डिवाइड कर दें। साइंस साइन से क्या वन प्लस कॉस के थीटा ओवर साइंस के थीटा इज इक्वल टू वन ओवर साइन इक्वल होता जी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, कॉस ओवर साइन इक्वल होता जी कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, फिर आपने कोई फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, अब दोनों साइड पे कॉस पे डिवाइड कर दें, कॉस के थीटा इंटू कॉस के थीटा ओवर कॉस के थीटा इज इक्वल टू वन ओवर कॉस के थीटा। ये कॉस इस कॉस से गया, ये तो बन गया साइन ऑफ कॉस टेंजेंट थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेकेंट साइन थीटा, ये हो गया सर। अब देखते हैं कॉस एक्स प्लस वाई मतलब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, जब भी कॉस आएगा तो सी डी ओ वाला फॉर्मूला लगाना है, सी डी ओ, सी मीन कॉस, डी मीन डबल, ओ मीन ऑपोजिट साइन, ठीक है, इनके दरमियान ऑपोजिट साइन। जैसे कॉस है तो कॉस डबल आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक हो गया। साइन अभी छोड़ देते, साइन एक्स साइन वाई डन हो गया, कॉस आ गया था तो इसलिए हमने डबल लगा दिया। ऑपोजिट साइन मतलब यहाँ पे प्लस है तो माइनस है, अब कॉस एक्स माइनस वाई है तो क्या करेंगे, फिर डबल कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, अगेन ऑपोजिट साइन यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिख, साइन एक्स प्लस वन। अच्छा अब यहाँ पे सी तो है नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, कॉस एक्स साइन वाई, अब ऑपोजिट साइन भी नहीं होगा, सेम साइन देगा प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस, कॉस वाई साइन एक्स। इसी तरह अगर इसमें नेगेटिव साइन आ जाए तो सेम कोई, तो डबल तो होना नहीं है, सी डी मीन सिंपल कॉस वगैरह पे लगता है, तो कॉस एक्स साइन वाई, साइन भी ऑपोजिट नहीं होना तो माइनस का साइन देगा, कॉस वाई और साइन एक्स। अच्छा क्लास अब मैं आपको बताता हूँ डबल एंगल के बारे में, डबल एंगल के फॉर्मूलाज बच्चे याद करते बड़ा मसला करते हैं। अच्छा मैं कॉस साइन का डबल एंगल का बताता हूँ, साइन टू एक्स का फॉर्मूला, साइन टू एक्स है तो आप लिख लें साइन एक्स प्लस एक्स लिख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा ये सेम वही फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस एक्स और वाई की जगह यहाँ पे वाई लिखा हुआ तो यहाँ पे इंटू साइन एक्स प्लस है तो प्लस लिखे, कॉस एक्स साइन एक्स सेम है क्योंकि दोनों सेम है, ये देखो एक और एक दो हो गए तो कॉस एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन टू एक्स का यही फॉर्मूला होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसी तरह आगे चलते हैं, अब ये इसका मैंने डबल एंगल का फॉर्मूला बनाया, अब मैं इसका मजीद एक और फॉर्मूला बनता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर इसका सिंगल एंगल साइन एक्स यहाँ से निकालना हो तो वो आप कैसे निकालेंगे, मैं इन फॉर्मूले को दोबारा यूटिलाइज जरूर करूंगा लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसके एंगल को दो पे डिवाइड कर दिया जाए, हर एंगल को दो पे डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास साइन एक्स आ जाता है टू कॉस एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू, ठीक हो गया। इसके अलावा अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में आता है कॉस टू एक्स का फॉर्मूला कैसे निकालेगा, कॉस टू एक्स को भी ऐसे आप कर लें, कॉस एक्स प्लस एक्स कर लें, कॉस आ गया तो सी डी वाले फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, कॉस एक्स फिर कॉस एक्स क्योंकि दोनों एंगल एक्स के, अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्केयर ऑफ एक्स माइनस साइन स्केयर ऑफ एक्स, ये कॉस टू एक्स का फॉर्मूला बन गया मेरे बच्चे। अगर इसे एक और कॉस टू एक्स का फॉर्मूला ड्राइव किया जा सकता है, अगर कॉस स्केयर ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्केयर ऑफ एक्स, साइन स्केयर ऑफ एक्स की मैं लिखता हूँ वन माइनस कॉस स्केयर ऑफ एक्स,
आपको पता ही होगा इसका फॉर्मूला, अभी पहले डिस्कस किया था, सबसे पहले ये फॉर्मूला बनाया था मैंने, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ x। तो बेटा ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, ये cos 2x का फॉर्मूला बनता है। अब cos 2x का एक और फॉर्मूला भी बन सकता है, मैं वो भी बना देता हूँ आपको, आसान रहेगा, मुश्किल नहीं बनेगा आज इंशाल्लाह। अभी cos 2x का फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है, वो ये लिखते हैं cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x। पहले मैंने इसकी जगह पुट किया था, अब इसकी जगह पुट किया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ x, एक और एक दो हो गए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x भी cos 2x का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा मैं मजीद बच्चों को आपके लिए फॉर्मूला तैयार करता हूँ, बताता हूँ मैं आपको कैसे करेंगे आप, याद रखते हैं जी इसके फॉर्मूलाज। अभी एक और भी दो तीन फॉर्मूलाज अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू वेरी मच। अब टेन के इंशाल्लाह टेन के और इसके क्यूब वाले फॉर्मूलाज को डिस्कस किया जाएगा।